कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिक बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धरम। डिस्कशन हम लोग करेंगे कि क्या शिक्षक बहाली के लिए जो डेट अनाउंस किया गया है अगस्त का, क्या बीपीएससी एग्जाम ले पाएगी। बीपीएससी काफी आनंद फानंद में दिख रही है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो, क्योंकि टीचर बहाली से रिलेटेड और बीपीएससी से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलती रहेगी और बीपीएससी के लिए यह डेडिकेटेड चैनल है। हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि बीपीएससी ने 25 मई को यानी कल जो अनाउंस किया है कि एग्जाम, वो अपने एग्जाम कैलेंडर में इस बात को दिखाया है कि विज्ञापन अभी भले ना निकला हो लेकिन हम टाइम पर एग्जाम ले लेंगे और विज्ञापन जल्द ही निकल जाएगा। जो डेट घोषित किया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वह डेट है अगस्त 19 का, 20 का और 26-27 का, यानी 19 से लेकर के 27 तक प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक जो बहाली होनी है शिक्षकों की, वह होगा, 4 दिन होगा। ठीक है, अब है कि एक एग्जाम का जो भी हो उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि एक जो डिमांड रही है और जिसकी लंबे समय से कि एज बढ़ाने का, एज रिलैक्सेशन का, तो शिक्षकों ने जो आप लोगों ने जो आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, सरकार इससे दबाव में है, सख्ते में है, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं यह उनके लिए यह एक सुसाइडल ना हो जाए, तो सरकार भी फूक फूक करके कदम उठा रही है और आपकी पहली जीत इस रूप में है कि एज में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, इसके लिए उनको, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, स्टेट पास हैं, सीटेट पास है, उनको 10 साल की छूट दी गई है। साथ ही जो ऑलरेडी पहले से नियोजित लगभग 4 लाख शिक्षक हैं उनको उम्र सीमा में शिथिलता दी गई है, उस नियम में शिथिलता दी गई है, तो एक बहुत बड़ी जीत है उम्र को लेकर के। तो इसलिए ऑलमोस्ट अब उम्र की, एज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की एज ज़्यादा हो गई थी इसलिए उस वह बाहर हो रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपीएससी में 37 ईयर्स का एज होता है जनरल के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो रहे थे, तो एज की समस्या अब नहीं रही। दूसरी बातें हैं कि इस बात को हम लोग देखें कि क्या एग्जाम टाइम पर हो जाएगा, तो एग्जाम टाइम पर हो जाएगा इसके लिए सरकार पूरी कमर कस चुकी है कि एग्जाम टाइम पर हो। बीपीएससी ने आनंद फानंद में ही सही, लेकिन डेट घोषित कर दिया है विज्ञापन आने से पहले ही, विज्ञापन जारी नहीं हुआ लेकिन पहले ही डेट घोषित कर दिया। उम्मीद यह किया जा रहा है कि विज्ञापन भी आपका 24 से 48 घंटे के अंदर कल परसों तक, 26 अगर नहीं तो 27 मई तक आ जाना चाहिए, इसकी पूरी उम्मीद है। कारण क्या, बीपीएससी ने अंतिम अनुमोदन के लिए शिक्षा विभाग को भेजा है और इसमें जो भी त्रुटियां है, कमियां है, जो गलतियां है, जो संशोधन होना है हो जाए, और शिक्षा मंत्री के यहाँ यह अभी लंबित है, तो उम्मीद है 24 घंटे के अंदर इन चीजों से निपट लिया जाएगा और आपका विज्ञापन भी टाइम पर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 19 अगस्त को, 20 को और 26-27 को एग्जाम होना है। साथ ही नवंबर में इसका रिजल्ट आना है और दिसंबर में अपॉइंटमेंट लेटर की भी बातें हो रही है। सरकार का जहां तक पहलू है, पक्ष है, उसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि सरकार चूंकि इलेक्शन को ध्यान में रख करके बहुत सारी चीजें कर रही है और संभावना इस बात की भी है कि
इलेक्शन 2024 वाला जो इलेक्शन होना है लोकसभा का, संभव है कि वह 2023 के लास्ट में भी हो जाए। बीजेपी की रणनीति, सरकार की जो केंद्रीय सरकार है बीजेपी एनडीए, तो उसकी रणनीति में यह चीजें आ रही है कि इलेक्शन को बिफोर करा लिया जाए। इस बात की भनक अब लोगों को लग रही है, अन्य पार्टियों को भी लग रहा है, तो इसलिए भी सरकार पूरी तैयारी मोड में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार गवर्नमेंट ने जो 10 लाख से नौकरियों देने की बातें किया है, शिक्षा विभाग को छोड़कर के कोई भी मेजर डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर बहाली हो सकती है, तो तुर्प का पत्ता जो है यह शिक्षा विभाग ही है। इसलिए सरकार चाहती है कि कुछ रिजल्ट दिखे और उसका अच्छा परिणाम हो, तो सरकार के जब तक कोर्ट स्टे न लगा दे तो सरकार अपने स्तर पर तैयार है, बीपीएससी तैयार है कि एग्जाम हम 19, 20 को, 26 को, 27 अगस्त को हम ले लेंगे। भले रिजल्ट में देरी हो सकती है, रिजल्ट का पक्का नहीं है कि वह नवंबर तक आ जाएगा, दिसंबर तक आ जाएगा, वह लटकाया जा सकता है। वह डिपेंड करता है किस पर, वह डिपेंड करेगा कि क्या चुनावी माहौल क्या होता है, क्या उसका टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो सकती है, उसका लाभ हर एक पार्टी लेना चाहती है। तो कुल मिलाकर के सरकारी पक्ष के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपका एग्जाम होने जा रहा है, अनलेस अंटिल जब तक हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ना लगा दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है बीएड को लेकर के कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी टीचर के लिए अलाउ किया जाए या न किया जाए, तो वह भी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में आना है, डिसीजन आना है, और हाई कोर्ट में तो केस फाइल हो ही गया है, तो दोनों पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होता है, डिसीजन होता है, और हाई कोर्ट इसको स्टे लगाती है या नहीं। मामला कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 50-50 का हो सकता है, लेकिन अभी पलरा सरकार का भारी है, और एज ए प्रशिक्षित अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक के रूप में हमारा सलाह यही है और यही सही होगा कि आप एग्जाम में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम के लिए डेट आपके पास नहीं बच रहा है, केवल 80-83 दिन बच रहा है, तो जो कि काफी कम है, लगभग 2.5 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, और 2.5 महीनों में बिल्कुल पहाड़ जैसा सिलेबस को पूरा करना है, तो आपको लग जाना है। और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और इसका बैच 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें जुड़ जाएंगे ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन, जिसमें पूरी की पूरी वीडियो क्लासेस है, स्टडी मटेरियल्स है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि 2.5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकें और फाइनली आप सिलेक्शन पा सकें। तो इन चीज़ों से आप ऊपर उठिए और एग्जाम में लग जाइए, यही मुनासिब होगा, यही समय की मांग है, तभी रिजल्ट आएगा, वरना ऐसा ना हो कि बस आप इधर उधर में लगे रह जाएं और गाड़ी मौका हाथ से निकल जाए। तो डेट्स ऑल, ऑल द बेस्ट, आप क्लासेस में लग जाइए और बिल्कुल ही एक सीट अपने लिए पक्का कर लीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।